हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संध्या, संध्या कुकिंग क्लास। वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे पकौड़ा। पकौड़ा रेसिपी आप सबको आते होंगे फ्रेंड्स, लेकिन मेरी स्टाइल में एक बार बनाकर ट्राई करके देखिए फ्रेंड्स। एकदम बेकरी स्टाइल में, आंध्रा में बेकरी स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी फ्रेंड्स। देखिए, उसके लिए मैंने दो प्याज ले लिया फ्रेंड्स। ये बड़े साइज के प्याज है, दो ले लिया मैंने, काट के रखे हूँ। उसके बाद आधा इंच के अदरक ले लिया फ्रेंड्स। उसके बाद दो तीन हरी मिर्च बारीक काटी हूँ। एक कप बेसन ले रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एक कप बेसन लेने के बाद बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, मैंने एक बाउल ले लिया फ्रेंड्स। बाउल में बड़े साइज के प्याज मैंने काटी वो डाल रहे हैं फ्रेंड्स। अदरक छोटे छोटे पीसेस काट के रखे वो डाल रहे हैं फ्रेंड्स। अगर प्याज आप मीडियम साइज के, तीन ले लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने तीन हरी मिर्च को बारीक काट के रखी वो डाल दीजिए फ्रेंड्स। हरी मिर्च आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद ये सभी चीज़ों को अच्छे से मसलना है फ्रेंड्स। देखिए, एकदम प्याज है ना बारीक, बड़ी बड़ी काटी हो ना फ्रेंड्स, उस प्याज एकदम सॉफ्ट होने तक ऐसे मसलना है फ्रेंड्स। देखिए, एकदम कुछ इस तरह बनाना है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं डाल रहे हैं 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रहे हैं फ्रेंड्स। सॉल्ट डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा डालने के बाद जीरा से अच्छा स्मेल आएगा फ्रेंड्स, टेस्ट भी अच्छा लगेगा। उसके बाद 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास 1/4 टीस्पून नहीं है तो स्पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डाल दीजिए फ्रेंड्स। डालने के बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मसलना फ्रेंड्स। देखिए, मैं कुछ तरह इस तरह बना रहे हैं ना। उसके बाद हमारे प्याज देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया फ्रेंड्स। अब इसमें डालेंगे बेसन। 1 कप बेसन डाल रहे हैं फ्रेंड्स। मैंने फुल मेजरमेंट के साथ बता रहे हैं फ्रेंड्स, आप इसी मेजरमेंट को फॉलो कीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून घी डालना है फ्रेंड्स। देखिए, यही ये स्पेशल चीज़ है फ्रेंड्स, ये मत ये स्किप मत करना फ्रेंड्स, एक जरूर डालना है। 1 टीस्पून घी डाल दीजिए। घी डालने के बाद 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया फ्रेंड्स। डालने के बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मसलना है फ्रेंड्स, मिक्स करना है फ्रेंड्स। देखिए, बेकरी में तो घी वो डालडा डालते हैं फ्रेंड्स, हम घर में घी डाल दीजिए, बहुत टेस्ट अच्छे बनते हैं फ्रेंड्स। यही स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है फ्रेंड्स इस पकौड़े बनाने के लिए। घी डालने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े पानी डाल के इसमें एकदम स्मूथ बैटर बनाना है फ्रेंड्स। ना पतला ना गाढ़ा, ऐसे बनाना है फ्रेंड्स। देखिए, मैंने खड़े पत्ते डालना भूल गए फ्रेंड्स, इसमें मैं लास्ट में डाल रहे हैं। इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए, मैंने सारे खड़े पत्ते डाल दिए, 3 से 4 पत्ते डाल दिए। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करके हमारा बैटर रेडी हो गया फ्रेंड्स। देखिए, कुछ इस तरह बनना चाहिए फ्रेंड्स, ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए, ऐसे बनाने के बाद थोड़ा सा मैं पानी और डाल रहे हैं, थोड़ा सा थिक लगेंगे मुझे, थोड़ा सा पानी डाल के एकदम स्मूथ बैटर बनाना है फ्रेंड्स। देखिए कितना स्मूथ बन गया, अच्छे से बन गए। अब इसको पकौड़े बनाने के लिए रेडी हो गया फ्रेंड्स। मैंने तेल गर्म हो गया फ्रेंड्स, अब इसमें पकौड़े डालेंगे फ्रेंड्स। आप कितना बड़ा चाहते हो उतना बड़ा डाल सकते हो फ्रेंड्स, बड़े छोटा आपके हिसाब से डाल दीजिए। मैं ऐसे डाल रहे हैं फ्रेंड्स। डालने के पूरा ऑयल में जितना हो सके उतना पकौड़ा डाल दीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा मत डालिए। इतना डालने के बाद हमें सारे पकौड़े ऐसे डालेंगे फ्रेंड्स। देखिए, धीरे धीरे करके ऐसे एक एक साइड में गैप छोड़ के बीच बीच में डाल दीजिए फ्रेंड्स। जहाँ जहाँ गैप दिख रहा है उसी में डाल दीजिए फ्रेंड्स, एक दूसरे के ऊपर मत डालिए फ्रेंड्स, नहीं तो ये चिपक जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, मैंने ऐसे डाल दिए सारे। डालने के बाद थोड़ा सा फ्राई हो गया एक साइड में, दूसरे साइड में ऐसे टर्न कर रहे हैं, ऐसे चम्मच के हेल्प से अच्छे से टर्न करने के बाद अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएगा। गोल्डन फ्राई होने के बाद इसको रिमूव करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, हमारा पकौड़ा रेडी हो गया, गोल्डन कलर आ गया इसमें अच्छे से। अब इसको ऑयल में से रिमूव करेंगे फ्रेंड्स। देखिए कितना अच्छे से बन के रेडी हो गया हमारा पकौड़े। सारा पकौड़े मैंने ऐसे बना लिए फ्रेंड्स। देखिए, हमारे मैंने ऐसे टमाटर केचप के साथ सर्व कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट बन गया, एकदम सॉफ्ट बेकरी स्टाइल में, आंध्रा में ऐसे बेकरी में बनता है फ्रेंड्स। अब इस रेसिपी को जरूर